चलिए शुरू करते हैं। बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप ये याद रखिएगा, 2008 का है। तो आपको साथ देना है और सब्सक्राइब और लाइक करना है, बस आप बस इतना कर दीजिए। मैं हमेशा कंटेंट हाई लेवल का देता हूँ, आप क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से है कि किस किस्म की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्नि प्रतिरोध सुरक्षा देती है? तो याद रखिए कंड्यूट वायरिंग कहते हैं, कंड्यूट वायरिंग कहते हैं या कंड्यूट वायरिंग भी कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी साइंस से चल रहा है। स्विच का मुख्य कार्य क्या है? स्विच का मुख्य कार्य क्या होगा? परिपथ को सुरक्षित रूप से बनाना और वियोजित करना ही होता है। इतना तो छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए, परिपथ को सुरक्षित रूप से बनाएगा या बनाना है, काम है स्विच का, याद रखिएगा। नॉर्मल चीज है, घर पे आप स्विच देखिए, बंद करने का और चालू करने का होता है, मतलब चालू कीजिएगा तो जो है लाइट जलेगा, बंद कर दीजिएगा तो लाइट बंद हो जाएगा, है ना, सिंपली लॉजिकल चीज है, आप खुद दिमाग लगा के कर सकते हैं। एसी पर काम करती हुई फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ प्रयोग होने वाली चोक का कार्य क्या है? चोक होता है, चोक लिखा हुआ है, ठीक है, चोक का कार्य क्या होता है ये पूछ रहा है, मतलब एसी पर काम जो करता है वो क्या है कि ट्यूब को स्टार्ट करने के लिए उच्च वोल्टेज किक उत्पन्न करना तथा चलते समय ट्यूब की निस्सरण धारा के परिमाण को सीमित करना। समझ गया, चौक का काम ही है कि ट्यूब को स्टार्ट करता है, स्टार्ट जब होता है तो उच्च वोल्टेज होता है, किक उत्पन्न करता है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा की आवश्यकता है नहीं, और वो इतना बड़ा क्वेश्चन तो रहेगा नहीं बार बार, क्योंकि ऑनलाइन हो गया है, उस समय के ऑफलाइन के हिसाब से चलते हैं। चलिए गोदामों, वर्कशॉप और सार्वजनिक भवनों में किस किस्म की वायरिंग का प्रयोग होता है? तो याद रखिए बैटन वायरिंग का प्रयोग करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, बैटन वायरिंग का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखने की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा किसके द्वारा दी जाती है? तो स्टार्टर के द्वारा दी जाती है। अब मोटर को ओवरलोड अगर हम देते हैं सुरक्षा को, ओवरलोड से सुरक्षा हम अगर करते हैं तो किसके द्वारा करेंगे? तो स्टार्टर के द्वारा करते हैं, स्टार्टर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली से लगी आग को किससे बुझाना चाहिए? अगर बिजली से आग लगी है तो पानी से बुझाइएगा, ऐसा तो नहीं है, याद रखिएगा कार्बन ट्राइक्लोराइड अग्नि नाशक से हम लोग करते हैं, आप देखते होंगे लगा रहता है, आता है, ठीक है, पानी से करिए तो और मारेगा भन। चलिएगा सॉरी जो कर रहा हूँ। डीसी परिपथों में भारी नियंत्रता प्रायः किससे चेक की जाती है लिख दिया है, याद रखिएगा डीसी परिपथ में भारी नियंत्रता अगर कंट्रोल करना है प्रायः तो मीटर के साथ श्रेणी में संट प्रतिरोध से हम लोग करते हैं, संट प्रतिरोध से करते हैं, याद रखिएगा। सोचिए सबसे हार्ड क्वेश्चन था, क्योंकि आईटीआई का पेपर था, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, हिस्टोरिसिस और भंवर धारा हानियां सबसे कम किसमें होती है? तो डायनोमीटर माप यंत्र में होता है, डायनोमीटर माप यंत्र में यह होता है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आएगा, भारत के घरेलू सप्लाई की वोल्टेज कितनी होती है? 220 से 230 वोल्टेज होता है, जो हमारे घर में वोल्टेज आता है, बिजली आती है, 220 से 230 माना जाता है, ये ध्यान रखना है। भारत में सप्लाई फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? सप्लाई फ्रिक्वेंसी अगर याद रखिएगा तो 50 हर्ट्ज होता है, आप जानते हैं। आगे सवाल है, किस वायरिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है? तो प्राइमरी में वायरिंग की संख्या अधिक होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में हिस्टोरिसिस हानियां किससे कम की जाती है? तो स्टील पटलोन लिसिका अंश घटाकर होती है, याद रखिएगा। आगे सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध परिपथ में क्या होता है? तो धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री द्वारा फेज में रहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, आगे सवाल है, किसी चालन सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता क्या होगी? कम होती है। साइंस से सबसे ज्यादा पूछा था, क्योंकि आईटीआई का है क्वेश्चन, है ना, बिहार एसएससी का, एफआईटी, ठीक है, का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो परिवर्तित प्रतिरोध के रूप में करते हैं हम लोग, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, विक्षेपी बल, ठीक है, विक्षेपी बल को नियंत्रित करने वाला बल क्या कहलाता है? नियंत्रणकारी बल कहलाएगा, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल कुंडली किस्म के माप यंत्र किसे मापने के लिए उपयुक्त रहता है? तो दृष्टि धारा को मापने के लिए उपयुक्त होता है, दृष्टि मतलब देखने के सेंस में कहा जाता है, तो दृष्टि धारा, ऐसे याद रखिएगा। स्विच को सदैव किस वायर में रखा जाता है? तो लाइव वायर में रखा जाता है। ये जो है बहुत ही साइंस का क्वेश्चन जो है हाई लेवल का पूछा हुआ, अगर ये पढ़ के जाते हैं तो, अगर साइंस कितना भी आएगा तो आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। आईएसआई
की अनुशंसा के अनुसार अंतिम उपपरिपथ का अधिकतम पावर लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 2 या 200 वोल्टेज दोनों में से जो भी पहले आ जाए वो अधिक नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। परिपथ दोष का सबसे सामान्य स्रोत क्या है, क्या होता है, तो इंसुलेशन की खराबी के कारण होता है। याद देखिएगा, परिपथ का दोष मतलब समझ जाइए कि इंसुलेशन की खराबी होता है। ऊंची इमारतों पर नुकीले चालक जो है किस लिए लगाए जाते हैं, तो मेघों से अवशेष ग्रहण करने और पृथ्वी तक पहुंचने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, मेघों मतलब बादलों से, वर्षा से। मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर किस पर निर्भर करता है, तो लाइन धारा और वोल्टेज पर निर्भर करता है ना। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज किसमें लगाया जाता है, तो पॉजिटिव वायर में लगाया जाता है। याद देखिए, पॉजिटिव वायर में, नेगेटिव वायर में नहीं हो सकता है। विद्युत माप यंत्र में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आ गया मेगर, मेगर किससे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इंसुलेशन का प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों पर लगे बल्ब किस श्रेणी से संबंधित है, तो याद रखिए समानांतर श्रेणी से संबंधित होता है, ये ध्यान रखना है। आगे है कि यदि मशीन की दक्षता अधिक होनी हो तब क्या काम होनी चाहिए, तो इनपुट पावर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो सिल्वर है, आप जानते हैं सिल्वर है, चांदी है मानते हैं। अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता क्या होता है, तो आप जानते हैं शून्य होता है, हमेशा याद रखिएगा शून्य होता है, अर्धचालक की विशिष्टता पूछेगा तो। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो रेडियो संचार में संचार का माध्यम क्या होता है, तो आप जानते हैं रेडियो संचार में संचार का माध्यम क्या होता है, अंतरिक्ष होता है, यही सवाल बार बार पूछता है। और अगर साइंस से संबंधित अगर जानना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा आप लोग। ध्वनि किसके द्वारा अभिलक्षण होती है या अभिलक्षणता होती है, तो आवृत और आयाम। ध्वनि की अगर बात करें तो हम जानते हैं आवृत आर्टिस्ट है ना, आयाम कह सकते हैं, आवृत एवं आयाम से हम करते हैं। आगे चलिएगा, एलईडी जो है प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण क्या है, एलईडी का जो है प्रकाश का जो है उत्सर्जित होने का कारण क्या है, परिवर्तनों का संयोजन होता है, क्या होता है, परिवर्तनों का संयोजन होता है। आप स्पीड करके इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सीआरओ की क्षैतिज प्लेट पर क्या लगाया जाता है, ताकि सिग्नल जो होता है, सिग्नल के तरंग रूप को देखा जा सकता है, जो सिग्नल होते हैं उसके तरंग रूप को हम देख सकते हैं, क्या लगाया जाता है, तो याद क्या, आरा दंती तरंगे होती है, ये ध्यान रखिएगा, आरा दंती तरंगे बोली जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलचित्र किन पिक्चरों को श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करती है, तो स्थिर पिक्चर को जो है क्या करती है, चलचित्र जो पिक्चर होता है, चलचित्र मतलब समझ रहे हैं ना, टीवी टेलीविजन पर जो हम फिल्म देखते हैं या कुछ भी वीडियो वीडियो आजकल चल रहा है उसी के सेंस में बोलते हैं, तो श्रेणी को प्रदर्शित करते हैं स्थिर पिक्चर के रूप में हम जानते हैं, याद रखिएगा। टीवी सेट में यदि क्षैतिज जो होता है और ये जेंटल जो होते हैं, याद रखिएगा, प्रवर्धक जो होता है, एम्पलीफायर उसे कहते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है, में दोष हो तो इसका क्या परिणाम होगा, दोष हो मतलब गड़बड़ी हो तो क्या होगा, पिक्चर नहीं बनेगी, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए टीवी सेट पर अगर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में दोष हो जाएगा तो नॉर्मल है कि पिक्चर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, बनेगा ही नहीं। सब ITI का जो एग्जाम दिए थे 2008 में उनके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं था, हार्ड ही था, याद रखिएगा। आगे सवाल है, टीवी में धुंधली पिक्चर किस दोष का परिणाम हो सकता है, तो RF प्रवर्धक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी किस रूप में कार्य करती है, तो परावैद्युत पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी किस रूप में कार्य करती है, परावैद्युत पर करती है। अगर अति उच्च हो आवृत हो, ठीक है, आवृत पर अगर आप पूछ दे पृथ्वी किस रूप में कार्य करती है, परावैद्युत पर। प्लग टॉप पिनों में, याद रखिए, हल्की सी झिरी किस लिए काटी जाती है, हल्की सी काटी जाती है ना, तो टर्मिनल को ठंडा करने के लिए ही काटी जाती है, अगर नहीं काटा जाएगा तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए काटा जाता है जरूर, एयर के सेंस में मान के चलिए आप। अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करती है, तो आकृति और परमाणु संख्या पर, आकृति हो या परमाणु संख्या पर करती है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है BIR वायरों में कॉपर के चालक पर सदैव 3 की परत चढ़ाई जाती है क्योंकि कॉपर के चाल पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सेलें जो है पढ़ने वाले प्रकाश को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, तो फोटोवोल्टाइक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा प्रवाहित होने के साथ ही कुंडली के चारों ओर क्या स्थापित हो जाती है, तो याद रखिए चुंबकीय फ्लक्स हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है, देहरादून है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से प्रारंभ है, आंध्र प्रदेश से है, याद रखिएगा। भारत का उच्चतम असैनिक पुरस्कार कौन सी है, तो भारत रत्न है, आप जानते हैं, और ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा। कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है, तो बुध है, याद रखिएगा। कौन सी गैस सबसे हल्की होती है, तो हाइड्रोजन होती है, आप जानते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। जय हिंद जय भारत मेरे दोस्त, याद रखिएगा। एक लास्ट नया डायलॉग मैंने लाया है आपके लिए स्पेशली, कि बड़े बड़े यूट्यूबर बड़े बड़े टीचर आपको बेसिक नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन नलिन अकाडमी शिक्षा मंत्र हमेशा वन लाइनर और मॉक टेस्ट कराने में आगे होगा, ये वादा करता है, आप देख कर समझ सकते हैं। तो जय हिंद जय भारत।